नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक्निक लाइफ में। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप रेलवे के जो ISETF होता है उसके थ्रू आप तत्काल टिकट को कैसे बुक कर सकते हैं। आज आपको इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूं, आप कंफर्म टिकट पा सकते हैं इमरजेंसी टिकट को बुक करके। तो सबसे पहले दोस्तों आपको अपना फोन को ओपन कर लेना है और आपको ISET रेल का जो ए एप्लीकेशन होता है इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो सिंपली आपको इसको ओपन कर लेना है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, इसका मैं थोड़ा सा ब्राइटनेस थोड़ा सा हाई लेवल कर देता हूँ। तो जैसे हम ओपन करेंगे आपको यहाँ पे ऊपर लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा। तो पहले मैं लॉगिन कर लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे जो भी चीज़ें रहेंगी वो करूँगा। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे जो कैप्चा कोड होता है वो सारी चीज़ें यहाँ पे अच्छे से फिलअप कर लेनी है। दोस्तों आपको मैं बता दूं, अगर आप पेटीएम के थ्रू तत्काल टिकट को बुक करना चाहते हैं तो उस पर मैंने पहले से ही वीडियो बना रखा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आप जाके देख सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको सारी चीज़ डालने के बाद लॉगिन पे सिंपली बहुत ही आसानी से क्लिक कर देना है, ये वेरीफाई यूजर लेगा। तो दोस्तों उसके बाद आपका ये पूरा सेटअप ऐसे खोल के आपको ISET रेल कॉन्टैक्ट देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पे ट्रेन लिखा हुआ आएगा, तो आपको ट्रेन पे क्लिक कर देना है। तो आपको यहाँ पे बुक टिकट दिखेगा, तो मैं यहाँ पे सिंपली जाऊंगा। और हमको मान लीजिए बनारस से लखनऊ जाना है, आज 16 तारीख है, तो मैं तत्काल टिकट कल की डेट का लूंगा। और यहाँ पे जो कोटा है यहाँ पे जनरल रहेगा, तो हमको यहाँ पे तत्काल सेलेक्ट कर लेना है जैसा कि आप देख सकते हैं। फिर हमको सर्च ट्रेन पे क्लिक कर देना होगा। दोस्तों मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ कि आप जब भी टिकट बुक करने आए, अभी तो देख सकते हैं 2:30 बज रहे हैं, तो आप कोशिश करिए कि सुबह के टाइम में ही 10 बजे से लेके 12 बजे के बीच में ही आएंगे, तो आपको मोस्टली टिकट मिल जाएगा। लेकिन इसमें भी अब मैं अभी चलो ट्राई करता हूँ, देखता हूँ कि तत्काल टिकट हमको मिलता है कि नहीं। स्लीपर में मैं ये एक देख लेता हूँ। तो दोस्तों अभी देखेंगे, जो ये महाकाल एक्सप्रेस है 4 घंटे में पहुँचा देगी और यहाँ पे 30 सीट खाली है। जो टिकट का प्राइस है 425 रुपये है, इसको आप देख सकते हैं, जिसमें से कि 275 रुपये तो इसका बेस प्राइस है और जो रिजर्वेशन कास्ट है सारी चीज़ें तत्काल का 100 रुपये एक्स्ट्रा यहाँ पे लिया जा रहा है। तो हमको ये सिलेक्ट करना है और हमको पैसेंजर डिटेल पे क्लिक करके कंफर्म पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे हमको सारी चीज़ें एक बार फिर से देख लेनी है कि हमको कहाँ से कहाँ जानी है। फिर हमको यहाँ पे बाद ऐड न्यू पे क्लिक करना है और हमको जिस भी आदमी को ले जाना है, जैसे कि मान लीजिए मेरा मेरा ही अपना नाम दे देता हूँ और यहाँ पे सारी चीज़ें मैं फिलअप कर दूंगा और फिर मैं ऐड पैसेंजर क्लिक कर दूंगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना एक मोबाइल नंबर डाल देना है, अगर दूसरे एक मोबाइल नंबर है तो अपना मोबाइल नंबर भी आप डाल सकते हैं, फिर क्योंकि उस पर ही आएगा कंफर्मेशन टिकट। आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आप अगर दोस्तों भीम UPI के थ्रू पे करते हो तो आपका 10 रुपये ही लगेगा, अगर आप क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग ये सब यूज करते हैं तो आपको 15 रुपये देना पड़ेगा GST के साथ। तो हम यहाँ पे भीम UPI का यूज करेंगे। आपको 35 पैसे का ट्रेवल इंश्योरेंस जरूर लेना है, इसमें आपको बहुत सारे फायदे हो जाएंगे, तो इसका फायदा आप देख भी सकते हैं, आप इसमें लिंक पे जाके क्लिक करके देख लीजिएगा, जिसमें आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे। तो फिर यहाँ पे मैं रिव्यू जर्नी पे क्लिक कर दूंगा, यहाँ पे मैं आपको सारी चीजें दिखा दूँ, यहाँ पे आपको सारे चीजों को ओके कर लेना है तभी ये आगे बढ़ेगा। जैसे कि ये देखिए मैंने सारी चीजें यहाँ पे GST सारा चीज़ यहाँ पे बर्थ को मैं नॉन कर दिया हूँ। फिर मैं यहाँ पे रिव्यू जर्नी डिटेल पे क्लिक करूँगा, इनवैलिड कोच आईडी ये बता रहा है, तो कुछ दिक्कत अगर होगी तो यहाँ पे ये नहीं लेगा दोस्तों। तो यहाँ पे मेरा भी कुछ दिक्कत तो नहीं आ रही है, मैं यहाँ पे फिर से एक बार चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं ये जो प्रिफ्रेंस था मैंने अपना नाम ही यहाँ पे लिख दिया था, तो मैं यहाँ पे कोच नंबर कोई प्रिफ्रेंस नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे नॉन ही कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए मेरा कोच का नाम आ गया था इसीलिए ये ले नहीं रहा था। तो मैं यहाँ पे फिर से रिव्यू पे करूँगा, तो देखिए अभी ये ले लेता है सारी चीज़ें। फिर उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे ये लास्ट स्टेप है, आपको देख लेनी है कहाँ से आपको कहाँ तक जानी है। नीचे आप ध्यान से देखिएगा तो आपको यहाँ पे एक कैप्चा कोड देखने को मिलेगा, तो ये कैप्चा कोड आपको सिंपली ये बॉक्स में फिलअप कर देना है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे हैं, तो इसको अच्छे से आपको फिलअप करना है, गलत नहीं करना है। तो इसके बाद आपको यहाँ पे प्रोसेस टू पे का ऑप्शन दिखेगा, तो हमको सिंपली प्रोसेस टू पे और ये जो अलर्ट है इसको पढ़ लेना है, सारी चीज़ें प्रोसेस टू पे पे क्लिक करना है। उसके बाद देखिए पेमेंट करने का ऑप्शन आ रहा है, तो हमने UPI का ऑप्शन चुना था, तो मैं यहाँ पे भीम UPI का ऑप्शन चुनने एक बार नीचे पे के ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा, तो ये देखिए प्रोसेसिंग हो रहा है। फिर उसके बाद देखिए आप यहाँ पे UPI के थ्रू पे करना चाहते हैं, आप पेटीएम से भी पे कर सकते हैं, लेकिन मैंने जैसा कि UPI का ऑप्शन चुना था तो मैं UPI का करूंगा। तो आप देखिए आपको अपनी UPI आईडी डालनी है, अगर आप पेटीएम यूज करते हैं तो आपको पेटीएम का UPI डालना है और यहाँ पे के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और आपके पास 8 मिनट का टाइम रहेगा, आप 8 मिनट में पेटीएम से यहाँ पे बुक कर दीजिएगा तो आपका कंफर्मेशन हो जाएगा। और आपने जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दिया है उस पर टिकट की सारी डिटेल भी आ जाएंगी, जिससे कि आप आसानी से ट्रेवल कर सकते हैं और जिस दिन ट्रेन रहेगा उसके 2 घंटे पहले भी आपको मैसेज मिल जाएगा। तो दोस्तों कुछ भी दिक्कत अगर होती है इससे तो आप हमें नीचे कमेंट करिए,
और आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ही दबा दीजिए, ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।